स्किन पर कालापन बहुत ही ज्यादा हो गया है, अगर स्किन डल दिख रही है, ग्लो चला गया है स्किन से, लूज हो गई स्किन से काफी अधिक दिख रहे हैं, तो एक बार इस रेमेडी को लगा करके देखिए। एक ही बार में आपको फर्क नजर आएगा, स्किन बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग, ब्राइटनिंग व्हाइटनिंग दिखने लग जाएगी, टाइट होने लग जाएगी, पिंपल्स रिंकल्स की समस्या दूर हो जाएगी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अर्चना और आप लोग का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज जो होम रेमेडी आप लोग के साथ शेयर करी वो है मुल्तानी मिट्टी से बनी हुई, आपकी स्किन को तेज से टाइट बनाती है, पिंपल्स की समस्याओं को दूर करती है और गर्मियों के लिए तो काफी ज्यादा बेस्ट रेमेडी है। गर्मियाँ रिलेटेड जो भी स्किन प्रॉब्लम्स होती है ना, उन सबको दूर करती है। साथ ही अगर आपके स्किन पे बहुत ही ज्यादा झाइयाँ दाग धब्बे हो रहे हैं ना, उनको भी दूर करने में हेल्प करती है। काफी ज्यादा इफेक्टिव रेमेडी है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इस रेमेडी को आप फेस वॉश के जैसे भी लगा सकते हैं, आइस क्यूब के जैसे बनाकर स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, और हर रोज नहीं तो कम से कम हफ्ते में 3-4 दिन जरूर लगाइए। स्किन की कोई भी समस्या नहीं होगी, स्किन से टैनिंग दूर हो जाएगी, झाइयाँ दाग धब्बे सब हल्के होंगे, स्किन बहुत तेजी से टाइट होने लग जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग के साथ शेयर करते हैं आज की होम रेमेडी, जिसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा मुल्तानी मिट्टी पाउडर। मुल्तानी मिट्टी काफी ज्यादा अच्छा होता है स्किन को टाइट खूबसूरत बनाने के लिए, पिंपल्स रिंकल्स की समस्याओं को दूर करने के लिए, बहुत ज्यादा स्किन को ग्लो बनाता है, चमकदार स्किन हो जाती है इससे। तो मैं कुछ ज्यादा ही रेमेडी बना रही हूँ क्योंकि आइस क्यूब के जैसे हम बनाकर फ्रिज में स्टोर भी करेंगे ताकि बार बार बनाने का झंझट ना रहे और इजिली हम अपने स्किन पर इसको अप्लाई कर पाए। तो 2 बड़े चम्मच हमने मुल्तानी मिट्टी पाउडर लिया है। इसके बाद इसमें हम ऐड कर लेंगे मसूर दाल का पाउडर। मसूर दाल को पीस करके हम इसका पाउडर बना करके इस तरीके से स्टोर कर लिए हुए हैं, तो इसको जब चाहे यूज कर सकते हैं। काफी ज्यादा अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए, स्किन से झाइयां दाग धब्बे झुर्रियों को खत्म करता है, स्किन टोन को निखारता है और स्किन काफी ज्यादा ब्राइटनिंग दिखने लग जाती है, व्हाइटनिंग दिखने लग जाती है। 1-2 बड़ा चम्मच हमें लेना है मसूर दाल का पाउडर। उसके बाद थोड़ी सी इसमें हम कस्तूरी हल्दी ऐड कर देंगे, लगभग 1/2 चम्मच के जितना। अगर आपके पास नहीं है कस्तूरी हल्दी, थोड़ी सी आप किचन वाली हल्दी भी ले सकते हैं। हल्दी हमारे त्वचा को निखारने के लिए ना बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, एंटीसेप्टिक गुणों से भरपूर है, जिससे आपके स्किन पे फोड़े फुंसिया वगैरह की समस्या नहीं होगी, कोई भी फंगस रैशेज वगैरह स्किन पर पड़ रही ना वो सब दूर हो जाएगी। इसके बाद इसमें हमें ऐड करना है दूध या फिर दही डाल सकते हैं, नहीं तो रोज वाटर डाल सकते हैं, नॉर्मल फिल्टर वाटर भी आप ले सकते हैं। तो मैं कच्चा दूध ऐड कर ले रही हूँ, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी हनी भी ऐड कर लेंगे, जो कि स्किन को काफी ज्यादा लाइट एंड ब्राइट बनाने के साथ साथ पिंपल्स की समस्या को दूर करती है और स्किन को एकदम सॉफ्ट चमकदार बनाने में हेल्प करती है। इस रेमेडी को बना करके हम फ्रीज में स्टोर किस तरीके से करेंगे वो आप लोगों को बता रहे हैं। तो आइस क्यूब के जैसे हम जमा लेंगे, और इससे पहले भी आप लोग के साथ ये रेमेडी मैंने शेयर कर रही हुई हूँ और मैं फेस वॉश के जैसे यूज करना बताई थी। तो स्किन जिन लोगों की ड्राई है ना काफी ज्यादा, तो ड्राई स्किन वाले इसमें थोड़ी सी कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हैं या फिर आलमंड ऑयल, नहीं तो ग्लिसरीन ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन काफी ज्यादा ड्राई है तो आप ग्लिसरीन 1-2 चम्मच इसमें ऐड कर लीजिए, फिर इसको आइस क्यूब के जैसे बना करके स्टोर कर लीजिए, नहीं तो आप फेस पैक के जैसे भी यूज कर सकते हैं। इस रेमेडी को आप हफ्ते में 3-4 दिन भी लगा सकते हैं, एक रोज बीच करके लगा सकते हैं, नहीं तो अगर आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा ऑयली है, बहुत ज्यादा चिपचिपी डल दिखाई देती है, तो आप हर रोज भी लगा सकते हैं इस तरीके से फ्रिज में स्टोर करके इसका आइस क्यूब के जैसे बना करके। फिर आपको अलग से कोई भी फेस वॉश वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी आपको फेस पैक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक बार आप बना लेते हैं ना फिर हफ्ते भर बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और इस तरीके से आप अपने स्किन को निखार सकते हैं। तो देख पा रहे फ्रेंड्स, मेरी स्किन पे भी काफी ज्यादा डलनेस हो गई है, टैनिंग हो रखी है और बहुत दिनों से मैंने कुछ लगाया नहीं था। तो ये वीडियो मैंने बहुत पहले ही बना लिया था, तो इससे उसके बाद मैं आइस क्यूब वाला वीडियो बनाई थी तो आप लोगों के साथ जो शेयर करी थी, तो इससे पहले स्किन पे मेरे काफी ज्यादा टैनिंग हो रखी है, जो कि आप लोग देख ही पा रहे हैं। मैं रोज वाटर से स्किन को क्लीन कर ले रही हूँ, इससे पहले मैंने फेस वॉश भी नहीं किया हुआ था, सिर्फ स्किन को गीला किया हुआ था, यानी कि नॉर्मल पानी से स्किन को धोया था बस। तो सुबह जैसे ही उठती हूँ तो सबसे पहले चेहरे को धोती हूँ, और धोना भी चाहिए, तो जितनी भी स्किन पर पड़ी धूल मिट्टी वगैरह जो भी होती है ना, जो भी डर्ट डस्ट वो सब निकल जाते हैं। तो उसके बाद हम ये फेस पैक अप्लाई कर ले रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट देने वाला है, किस तरीके से वर्क करता है ना वो आपको आगे बता रही हूँ वीडियो में। बने रहिएगा फ्रेंड्स वीडियो में, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपका एक लाइक काफी ज्यादा मोटिवेट करता है हमें। फ्रेंड्स, जब भी आप फेस पैक लगाते हैं मुल्तानी मिट्टी वाला ना, तो अपर डायरेक्शन में लगाइए, इससे क्या होगा आपकी स्किन कभी भी बूढ़ी नहीं होगी, कभी भी स्किन पे झुर्रियां नहीं पड़ेगी, स्किन कभी लूज नहीं होगी।
ऐसे मुल्तानी मिट्टी ना बहुत तेजी से स्किन को टाइट बनाता है। इस फेस पैक को बना करके आप फ्रिज में अगर स्टोर कर देते हैं, उसके बाद थोड़े देर के बाद जब ठंडा ठंडा लगाते हैं ना, बहुत अच्छा लगेगा सच में, एकदम कूलिंग एहसास आपको मिलने वाला है। और इस फेस पैक को लगा करके आपको 20-30 मिनट के लिए रेस्ट करना है और मोटा सा लेयर आप लगा लीजिए ताकि पूरे अच्छे से ना सूख पाए। जब 70-80% सूख जाते हैं तब आपको इसको रिमूव कर लेना है। तो देख पा रहे मेरे फेस पे, नेक पे हमने लगा लिया। इस तरीके से आपको अपने चेहरे को रखना है, वो मैं आपको बता रही थी। और जब 20-30 मिनट बाद हो जाते हैं तब इसको हमें रिमूव करना है। तो बहुत ही ज़्यादा आप खुश हो जाएंगे इस रेमेडी को अगर आप लगाते हैं तो। देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, और जब भी मैं कोई मुल्तानी मिट्टी वाला पैक लगाती हूँ तो पूरा सूखने नहीं देती हूँ, इतना ही सूख पाता है तभी इसको हम रिमूव कर लेते हैं। नहीं तो ज़्यादा सूखने की वजह से ना स्किन पर क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं, जिससे क्या होगा झुर्रियाँ और भी ज़्यादा बढ़ने लग जाएंगी। और अब इसको रिमूव कर लेंगे तो नॉर्मल पानी से हम चेहरे को धो सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से आप पोंछ सकते हैं, जो कि लाइव रिजल्ट्स आप लोगों को दिखाने के लिए इस तरीके से गीले स्पंज से मैं पोंछ करके आप लोगों को बता रही हूँ कि चेहरा कितना ज़्यादा ग्लोइंग ब्राइट नहीं दिख रहा है। स्किन की 2-4 शेड तो ऐसे ही लाइटन होती हुई नजर आएगी। और अगर आप लगातार लगाते हैं ना, हफ्ते में 3-4 दिन लगाए, नहीं तो आप हर रोज भी लगा सकते हैं। वो किस तरीके से लगाने वो बताएं मैंने आप लोगों को, तो आपके स्किन पर ना तेजी से चमक आने लग जाएगा और स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग ब्राइटनिंग दिखने लग जाएगी, वाइटनिंग दिखने लग जाएगी। नॉर्मल पानी से चेहरे को धो लेना है। और अगर आपकी स्किन ड्राई है या फिर ड्राई जैसे फील कर रही है तो आप हल्का सा कोकोनट वाइल लगा सकते हैं। तो पहले रोज वाटर हल्का सा स्प्रे कर लेना है, फिर उसके बाद कोकोनट वाइल लगाना है। और हाँ, सनस्क्रीन वगैरह लगाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। हर रोज अपने स्किन केयर रूटीन जो होता है वो फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। इससे क्या होगा, कभी भी स्किन पर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स की समस्या नहीं होगी। झाइयाँ ताक धब्बे जो बढ़ते रहते हैं ना, वो सब इन सब वजह से धूप की जो किरणें हैं वो हमारे स्किन को प्रभावित करती है, बहुत ज़्यादा झाइयाँ झुरियाँ सब बढ़ने लग जाती हैं। तो अभी मैं रोज वाटर स्प्रे कर ले रही हूँ स्किन पर और उसके बाद इसी कोकोनट ऑयल लगाऊंगी। तो अभी मैं ये रेमेडी शाम को लगा रही थी तो स्किन बहुत ही ज़्यादा सचमुच रिफ्रेश फील कर रही है और बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेगी और क्लियर स्मूथ स्किन होने लग जाएगी। तो इस तरीके से कोकोनट ऑयल में लगा ले रही हूँ और हल्के हाथों से मसाज करेंगे अपर डायरेक्शन में। इससे हमारे स्किन की जो ब्लड सर्कुलेशन है और भी ज़्यादा बेहतर होगी और स्किन पे चमक और ग्लो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और न्यू है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस को देखने के लिए। तो फिर अब मिलती हूँ आगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने स्किन का ध्यान रखते रहिए, अपने सेहत का ध्यान रखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें फुल सपोर्ट करिए। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो इस तरीके से मैं कोकोनट ऑयल अप्लाई कर लूँगी अपने स्किन पर और आप देख पा रहे हैं ना स्किन कितनी ज़्यादा ग्लोइंग ब्राइटनिंग दिख रही है सचमुच। और स्किन इस तरीके से अगर आप मसाज करना तो टाइट भी होने लग जाती है, काफ़ी ज़्यादा स्किन टाइट जवा और खूबसूरत दिखने लग जाती है। तो आई होप फ्रेंड्स अब तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा और यहाँ तक वीडियो को देखें तो उसके लिए बहुत ज़्यादा दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय।